फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान हमारी बॉडी से काफी ज्यादा पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर शरीर के अंदर कमजोरी भी आ जाती है। कई बार हम उस शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए आहारों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे आहार भी हैं जिनका सेवन हमें पीरियड्स के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? कौन से है ऐसे आहार जिनका सेवन करने से हमें बचना चाहिए, आइए जानते हैं मेरी आज की वीडियो के द्वारा। टिप नंबर वन है वसा यानी कि फैट से भरा हुआ मीट। फैट से भरे हुए मीट का सेवन बिल्कुल भी ना करें अपने पीरियड्स के दौरान। जी हाँ, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और पीरियड्स के दौरान मूड खराब होने की वजह से आपको अपना फेवरेट मीट खाने का मन कर रहा है, तो आपको अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और मीट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टिप नंबर टू है बेक किया हुआ फूड यानी कि ब्राउनीज या फिर केक आदि। कई बार हम बेकिंग प्रोसेस से जब भी अपने खाने को गुजारते हैं तो उसकी वजह से ओवन या फिर माइक्रोवेव की हवा खाने के अंदर भर जाती है, जो कई बार पीरियड्स के टाइम पर खाने से काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। नंबर थ्री है चीनी से भरा हुआ फूड जैसे कि केक, कुकीज, ब्राउनीज या फिर कुछ ऐसे मिल्क शेक जिनके अंदर चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। पीरियड्स के टाइम में आपको ज्यादा चीनी वाली चीजों को खाने से भी बचना चाहिए। टिप नंबर फोर है आइसक्रीम या फिर क्रीम और चीज। इन चीजों का सेवन करने से भी हमें बचना चाहिए यदि आप पीरियड्स के दौरान चल रही हैं तो, क्योंकि आइसक्रीम काफी ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए वो आपकी बॉडी को हानि पहुंचा सकती है। यदि आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं तब आप आइसक्रीम खा सकती हैं, या फिर पीरियड्स खत्म होने के दो दिन बाद आप आइसक्रीम खा सकती हैं। टिप नंबर फाइव है कॉफी या फिर कैफीन से भरी हुई चीजें जैसे कि कॉफी, कोल्ड कॉफी, डार्क कॉफी या कॉफी का कोई भी एलिमेंट। इन सब चीजों का सेवन करने से भी हमें पीरियड्स के दौरान बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह है कुछ ऐसे आहार जिनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए पीरियड्स के दौरान।